जेंटलमैन, आज मैं बात करूंगा रीगन ग्राइम्स के बारे में। रीगन ग्राइम्स या रीगन ग्रीम्स, उनका सरनेम आई थिंक मुझे स्पेल करने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट रीगन ग्रीम्स आप जानते ही हैं कि काफ़ी एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर है। सरप्राइजिंगली मैंने आज तक मेरे चैनल पर एक भी वीडियो रीगन ग्राइम्स के लिए नहीं बनाया है। आप मेरा पूरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैं भी खुद सरप्राइज हूँ कि इतने एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर हैं और फिर भी मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब पर क्यों नहीं बनाया। वेल, आज का एक क्विक शॉर्ट अपडेट वीडियो है रीगन ग्राइम्स को लेके, क्योंकि रीगन ग्राइम्स काफ़ी चर्चा में रहते हैं और एक काफ़ी एस्पायरिंग एंड प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर है। रीगन ग्राइम्स ने रिसेंटली उनके इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर 2-3 फोटोज को पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने बैक शॉट को दिखाया है। मैं आपको साइड स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दूंगा, आप देख ही सकते हैं इस फोटोज को। एंड माय गॉड, इतनी वेल डेवलप्ड थिक डेंस बैक काफी दिनों के बाद मुझे देखने मिली है। आई थिंक ऑलमोस्ट 2017 फिल हीथ के बाद मुझे ये बैक देखने मिली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रीगन ग्राइम्स काफी एक गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है। एंड सरप्राइजिंगली उनका जो बॉडी का जेनेटिक्स है, उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से बिल्ट है कि वो क्लासिक फिजिक में भी कम्पीट कर सकते हैं एंड मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिविजन में भी कम्पीट कर सकते हैं। काफी कम ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो क्लासिक फिजिक से मेंस ओपन से क्लासिक फिजिक में शिफ्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपका एक बार स्केलेटल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो आप सिर्फ एक ही डिविजन में कम्पीट करते रहते हैं। लेकिन रीगन ग्राइम्स उनमें से एक है जो क्लासिक फिजिक के लिए भी बने हैं और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बने हैं। सो स्पेन प्रो होने वाला है 2 हफ्तों में और रीगन ग्राइम्स ने उनके इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर अपनी प्रेप फोटोज अपलोड की है। स्पेन टू वीक्स आउट आप देख सकते हैं स्पेन प्रो। उनके कोच है डोरियन हैमिल्टन। सो शाउट आउट टू डोरियन हैमिल्टन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इनसे प्रेप करा के लिए, आप देख सकते हैं काफी प्रॉमिसिंग दिखते हैं। स्पेशली उनका लोअर बॉडी पार्ट देखिए, उनके हैमस्ट्रिंग, उनके ग्लूट्स, उनके कैफ के मसल इतने वेल डेवलप्ड है, इतने शार्प है कि बहुत कम बॉडी बिल्डर्स हैं जो इस डेंसिटी को मैच कर सकते हैं। और एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं जहां पे उनके बैक शॉट है। आप इसको स्ट्रेट अवे 2003 रॉनी कोलमैन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये फोटो पहली बार देखी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रॉनी कोलमैन आए थे 2003 के। रॉनी कोलमैन ने भी सेम टू सेम यही पोज को हिट किया था 2003 में। ऑफ कोर्स उस लेवल की फिजिक तो नहीं है रीगन ग्राइम्स की, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक वो मिमिक करना चाहते हैं रॉनी कोलमैन 2003 से। इवन उनके लोअर बैक में भी काफी अच्छी डेंसिटी है जो काफी बॉडी बिल्डर्स में हमें देखने नहीं मिलती। अपर बैक काफी अच्छी होती है लेकिन लोअर बैक काफी बॉडी बिल्डर्स का वीक पॉइंट होता है। रीगन ग्राइम्स ने उसका यह भी ख्याल रखा है कि वो लोअर बैक में भी थिकनेस काफी अच्छी बिल्ड करे। सो रीगन ग्राइम्स मुझे लगता है कि दोस्तों आने वाले ओलंपियाज में हो सकता है वो मेंस ओपन में कम्पीट करे, हो सकता है वो क्लासिक फिजिक में कम्पीट करे। मैं खुद चाहता हूं कि वो मेंस ओपन में कम्पीट करे, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनकी फिजिक को देख रहा हूं मुझे लगता है कि ये मेंस ओपन में काफी अच्छा खेल लेंगे कंपेयर टू क्लासिक फिजिक। क्लासिक फिजिक में एस्थेटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा डिटेलिंग होती है एज कम्पेयर टू मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग। सो रीगन ग्राइम्स अगर मेंस ओपन में कम्पीट करते हैं तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में प्लेस होंगे आने वाले ओलंपियाज में। देखना यह है कि क्या वो ओलंपिया जीतते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा फैन बेस है, उनके मसल कंडीशनिंग भी काफी अच्छी है। पोजिंग मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से मेंस ओपन में पोजिंग करेंगे, लेकिन अगर उनका हर एक फैक्टर सही ऑन पॉइंट आ गया तो आने वाले फ्यूचर ओलंपिया में मैं खुद देखना चाहूंगा रीगन ग्राइम्स को सैंड आउट ट्रॉफी उठाते हुए। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं रीगन ग्राइम्स को लेकर, उनके फिजिक अपडेट को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि काफी एस्पायरिंग एंड प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर है ये। रीगन ग्राइम्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने फिजिक को और लेवलअप करते जाए हर एक शो के साथ एंड फाइनली बिग बॉयज यानी कि मिस्टर ओलंपियाज में जाके कम्पीट करे और वहां पे अच्छी प्लेसिंग को हासिल करे। दोस्तों ये था अपडेट रीगन ग्राइम्स को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। सो प्लीज डू क्लिक द बेल आइकॉन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज, पीस आउट।